रतन टाटा जैसी इज्जत अंबानी अडानी को क्यों नहीं मिलती? क्या सादगी इसकी बड़ी वजह है? जितनी संपत्ति अंबानी ने सालों में कमाई उससे ज्यादा टाटा परिवार ने अब तक दान दे दी है। रतन टाटा का मकसद सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सम्मान भी है, इसीलिए मोदी भी हाथ जोड़ते हैं। रतन टाटा को लोग बिजनेसमैन कम और अपना बेटा या भाई ज्यादा समझते हैं। घर में खाने वाला टाटा नमक हो या फिर घर बनाने में लगने वाला टाटा स्टील, सब टाटा का है। बाहर निकलिए तो टाटा की गाड़ियां और आसमान में उड़िए तो टाटा का प्लेन एयर इंडिया, यानी हर तरफ टाटा ही टाटा है। फिर भी एक सवाल है कि जब टाटा का घर घर पर कब्जा है तो वो अडानी अंबानी जितने अमीर क्यों नहीं है? दुनिया के रईसों में वो टॉप 10 में क्यों नहीं आते? हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि तीनों के बिजनेस प्लान में अंतर क्या है। टाटा की 100 देशों में 30 कंपनियां हैं, जबकि अंबानी की 7 और अडानी की 6 कंपनियां हैं। हालांकि इन कंपनियों के अधीन कई कंपनियां होंगी तो हर किसी के पास सैकड़ों कंपनियां हैं। नैनो कार आई और वो फ्लॉप हो गई, लेकिन टाटा ने नुकसान की भरपाई जनता से नहीं की। जबकि अंबानी की जियो कंपनी आई तो पहले फ्री डेटा दिया और अब उसका चार्ज बढ़ा दिया। इसी बिजनेस प्लान का अंतर है जिससे टाटा पॉपुलर हुए और अंबानी अमीर होते चले गए। अंबानी की कंपनी तेल से लेकर टेलीकॉम तक का व्यापार करती है, अडानी देश से लेकर विदेश तक में पोर्ट की जिम्मेदारी संभालते हैं, लेकिन कोई भी टाटा जितना दानवीर नहीं हुआ। टाटा ग्रुप की स्थापना करने वाले रतन टाटा के पिता जमशेद जी टाटा ने पिछले 100 सालों में 102.4 अरब डॉलर यानी कि तकरीबन 7.5 लाख करोड़ रुपए दान देकर सबसे बड़े दानवीर का दर्जा हासिल किया है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये रकम रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी की कुल नेटवर्थ 84 अरब डॉलर यानी कि तकरीबन 6.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। रतन टाटा ने भी इस दान की परंपरा को आगे बढ़ाया है। पिछले साल मार्च में कोरोना से लड़ने के लिए रतन टाटा ने 1500 करोड़ रुपए दान दिए थे। इतना न तो अडानी ने दान किया न ही अंबानी ने। अजीम प्रेमजी टाटा की तरह ही दानी है। रतन टाटा ग्रुप की कंपनी जितना भी कमाती है उसका 67% हिस्सा दान में जाता है। रतन टाटा कभी भी अपने पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति नहीं रखते, दान दे देते हैं। जबकि अंबानी और अडानी का अपनी कंपनियों में शेयर सबसे ज्यादा है, इसीलिए अडानी दुनिया के 4th सबसे बड़े अमीर हैं और अंबानी दुनिया के 11th सबसे बड़े अमीर हैं। लेकिन रतन टाटा टॉप 100 में भी कहीं नहीं टिकते। लेकिन बावजूद इसके रतन टाटा देश दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान पाते हैं। रतन टाटा का कहना है कि हम घाटे में चलने वाली कंपनियों को खरीदते हैं, चलाते हैं, फिर मुनाफा कमाते हैं और फिर उसे दान दे देते हैं। बिजनेस का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा नहीं होना चाहिए बल्कि हर अमीर का कर्तव्य है कि वो गरीब की मदद करे। यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क अपनी जिंदगी पर लाखों करोड़ों खर्च करते हैं तो वहीं रतन टाटा सिंपल लाइफ जीते हैं। कहते हैं कि अपने पिता की कंपनी होने के बावजूद उन्होंने टाटा ग्रुप में बतौर कर्मचारी नौकरी शुरू की थी। जब अमेरिका में पढ़ते थे तो बर्तन तक धोए थे और ये समझा था कि गरीबी अमीरी का मोल क्या होता है। जब आदमी खुद गरीबी में जिए तो उसे पता होता है कि अमीर बनने के बाद सिर्फ पैसा पैसा नहीं करना चाहिए बल्कि गरीबों की मदद भी करनी चाहिए। इसीलिए रतन टाटा जैसे बिजनेसमैन अंबानी और अडानी से ज्यादा सम्मान पाते हैं। पीएम मोदी भी उनके आगे हाथ जोड़ते हैं। वो लोगों के लिए हीरो हैं और लोग उन्हें अपना मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।